सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबड़े की तबीयत खराब होने की वजह से अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को टाल दी गई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच 6 अगस्त से इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। अयोध्या मामले में अब तक क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए मार्च में मध्यस्थता पैनल बनाया था। इससे हल नहीं निकलने पर कोर्ट में हर दिन सुनवाई शुरू हुई। यह तब तक चलेगी जब तक कोई नतीजा नहीं निकल जाता। पहली सुनवाई 6 अगस्त को। सुनवाई के पहले दिन निर्मोही अखाड़ा ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अपना दावा किया। उन्होंने कहा था कि पूरी विवादित भूमि पर 1934 से ही मुसलमानों को प्रवेश की मनाही है। दूसरी सुनवाई 7 अगस्त को बेचने पक्षकार निर्मोही अखाड़े से संबंधित 2.77 एकड़ भूमि के दस्तावेज पेश करने को कहा था। इस पर अखाड़े ने कहा था कि 1982 में वहां डकैती हुई जिसमें सभी दस्तावेज खो गए। तीसरी सुनवाई 8 अगस्त को बेंच ने पूछा कि एक देवता के जन्म स्थल को न्याय पाने का इच्छुक कैसे माना जाए जो इस केस में पक्षकार भी हो। इस पर वकील ने कहा था कि हिंदू धर्म में किसी स्थान को पवित्र मानने और पूजा करने के लिए मूर्तियों की आवश्यकता नहीं है। नदियों और सूर्य की भी पूजा की जाती है, उनके उद्गम स्थलों को इसी तरह से देखा जाता है। चौथी सुनवाई 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के वकील से पूछा था क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है। इस पर वकील ने कहा था हमें जानकारी नहीं है। बाद में जयपुर राजघराने की दियाकुमारी ने खुद को श्री राम के बड़े बेटे कुश के वंशज होने का दावा किया था। मुस्लिम पक्ष ने हफ्ते में 5 दिन सुनवाई पर आपत्ति जताई थी। पांचवी सुनवाई 13 अगस्त को हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन ने मंदिर के अस्तित्व को लेकर दलीलें पेश की। उन्होंने कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में विवादित जगह पर मंदिर होने का जिक्र है। हाईकोर्ट के जस्टिस सिंह खान ने कहा था कि यह मस्जिद मंदिर के टूटे फूटे हिस्से पर बनाई गई है। छठी सुनवाई 14 अगस्त को रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है और कोर्ट को इसके तर्क संगत होने की जांच के लिए इससे आगे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि मुगल शासक अकबर और जहांगीर के काल में भारत आने वाले विदेशी यात्री विलियम फिंच और विलियम हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में राम जन्मभूमि और अयोध्या के बारे में लिखा है। सातवीं सुनवाई पिछली सुनवाई में रामलला के वकील एस वैद्यनाथन ने कहा था कि खुदाई के दौरान स्तंभों में श्री कृष्ण, शिव तांडव और श्री राम के बाल रूप की तस्वीर दिखती है। रिपोर्ट में स्तंभों पर भगवान शंकर के चित्रों की बात भी कही गई थी। उन्होंने कहा था कि देवी देवताओं के चित्र मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर में मिले थे। इस स्थल का हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्व है। हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने के लिए कहा था 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या का 2.77 एकड़ का क्षेत्र 3 हिस्सों में सम्मान बांट दिया जाए। पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा रामलला विराजमान।